जिले में वन प्राणियों के खाल की तस्करी के चलते बालाघाट पुलिस ने गोंदिया रोड ग्राम गोंगले चौक में घेराबंदी करके मोटरसाइकिल में सवार तीन लोगों को बाघ की खाल के साथ गिरफ्तार कर लिया। 27 मई को यह घटना उस समय हुई जब तीन लोग इस बाघ की खाल को बेचने के लिए मोटरसाइकिल में गोंदिया ले जा रहे थे। वन्य प्राणी बाघ की खाल के साथ गिरफ्तार तीनों आरोपी उदल सिंह पिता मंगल सिंह परते ग्राम अरंडी थानागढ़ी, राजेश पिता संतन पंद्रे ग्राम अरंडी थानागढ़ी और किशोर कुमार पिता उकनलाल टेम्बे ग्राम सरेका थाना बैयन निवासी है। बालाघाट पुलिस के मुताबिक 27 मई को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति मोटरसाइकिल में बाघ की खाल विक्रय करने हेतु बालाघाट से नवेगांव होते हुए गोंदिया की ओर जा रहे। मुखबिर की इस सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक अंजू लैंग मिश्र के नेतृत्व में ग्रामीण थाना प्रभारी संजय ऋषिश्वर ने अपने स्टाफ के साथ इन वन्य प्राणियों के तस्करों को पकड़ने के लिए गोंदिया रोड कोंगली चौक में घेराबंदी की। इस दौरान बालाघाट से गोंदिया की ओर जा रहे मोटरसाइकिल में सवार तीन लोगों को रोककर पूछताछ की गई, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम उदल सिंह परते ग्राम अरंडी थाना गढ़ी, राजेश पंद्रे ग्राम अरंडी थाना गढ़ी और किशोर कुमार टेमरे ग्राम सरेखा थाना बैयर निवासी बताया। इनके बैग की तलाशी लेने पर उसमें वन्य प्राणी बाघ की एक खाल पाई गई। पूछताछ में वन्य प्राणियों की खालों के इन तस्करों ने कुछ दिन पहले थाना गढ़ी के ग्राम अरंडी के पास इमलीटोला के जंगल में जीआई तार बिछाकर और तार में विद्युत प्रवाहित कर वन्य प्राणी बाघ का शिकार करने और उसकी खाल को बिक्री करने हेतु मोटरसाइकिल में गोंदिया ले जाने के संबंध में बताया। इनके पास से वन्य प्राणी बाघ की खाल के अलावा मोटरसाइकिल MP50 MT 8571 बैग, दो एंड्राइड मोबाइल जब्त किया गया। ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में वन्य प्राणी बाघ की खाल के इन तीन तस्करों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 162/2024 में धारा 9, 39, 49B, 50, 51 वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में तीनों को गिरफ्तार कर लिया।